हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। आज के दिन की बात करें तो स्टॉक में हमको 2% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। जब स्टॉक ने 380 के लेवल को ब्रेकआउट किया था, उस वक्त से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि टाटा पावर यहाँ से लगातार तेज़ी दिखा सकता है। 400 के लेवल को ब्रेकआउट करके अपने इस हाई को यानी 440 के लेवल को भी ब्रेकआउट कर सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और 440 के ब्रेकआउट के बाद आगे के टारगेट को भी हमने डिस्कस किया था। चैनल्स पर वीडियो मौजूद है, चाहो तो आप देख सकते हो। हम देख सकते हैं स्टॉक ने लगातार रैली दिखाई है हमको। आप हायर हाई पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है, गिरावट के बाद स्टॉक में जंप आ रहा है और अपने हाई को ब्रेकआउट देता हुआ स्टॉक नज़र आ रहा है। और इस बाउंस बैक के साथ अपने रिसेंट हाई को स्टॉक ब्रेकआउट कर चुका है यहाँ से। अब ये इस बात का सिग्नल है कि टाटा पावर हमको और बड़ी तेज़ी आने वाले दिनों में दिखा सकता है। अब जिस लेवल को ब्रेकआउट किया है वो इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। जिस लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है 434 का लेवल, 434 का जो लेवल है इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। स्टॉक अपने हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो यहाँ से हमको अब और तेज़ी स्टॉक में देखने के लिए मिल सकती है आने वाले दिनों में। इमीडिएट सपोर्ट जैसे हमने अभी डिस्कस किया 434 का लेवल, इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट जहाँ से स्टॉक ने गिरावट के साथ सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, हम देख सकते हैं 430 का लेवल, और तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा 400 का लेवल। जब तक इसके ऊपर है बड़ी गिरावट नज़र आना मुश्किल है। अब टारगेट की बात करें तो इमीडिएट टारगेट अपना रहेगा 440 के लेवल पर, अपना हमको नज़र रखना है। इसको ब्रेकआउट कर गया तो 444 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करके 450, और इसको ब्रेकआउट कर गया तो 460 से लेके 480 तक के टारगेट अब शॉर्ट टर्म में टाटा पावर दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।